ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा में बगावत की चिंगारी अब शोला बनती जा रही है। अब तक सुभाषपा के 175 से ज्यादा बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के चलते पार्टी से किनारा कर लिया है और अब सुभाषपा के बागियों ने ओम प्रकाश राजभर पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। सिपाही सलारों के दम पर ओम प्रकाश सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज राजनीति के जिस पायदान पर पहुंचने में कामयाब हुए, सुभाषपा के वही सिपाही अब एक एक करके राजभर का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं और उन्हीं में से एक रामजीत राजभर ने पार्टी छोड़ने के बाद आरोप लगाया है। पार्टी के दफ्तर के नाम पर जो भवन बनाया गया था उसे अब ओम प्रकाश राजभर ने अपना आशियाना बना लिया है। उसी में उनका मकान भी है, पूरा परिवार रहता है। केंद्रीय कार्यालय के नाम पर खाली खोला गया है मगर उसमें अपना पूरा परिवार लेकर के रहते हैं और राजभर समाज को गुमराह करते हैं, कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं कि ये केंद्रीय कार्यालय है। आज जा करके आप लोग उसकी जांच करवा दीजिए, पूरा परिवार मिलेगा ओम प्रकाश राजभर का केंद्रीय कार्यालय पर। रामजीत राजभर का आरोप है कि बलिया में जिस जमीन पर बने दफ्तर को ओपी राजभर अपने घर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसके निर्माण के लिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने आर्थिक मदद की। अब सुभाषपा के बागी मुख्यमंत्री योगी से इस मामले में जांच करवाकर ओम प्रकाश राजभर पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। राजभर की जमीन है और नहर पर वो मकान बनाए हैं। मैं योगी महाराज से मांग करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, कि उसकी जांच करवा करके उसको धराशाही कराने का काम करें। और वो पैसा लगा है तो मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है, ये लेकिन पहला गठबंधन किए थे मुख्तार ओम प्रकाश राजभर तो कौमी एकता दल से गठबंधन किए थे और कौमी एकता दल से गठबंधन करके और उनसे पैसा लेकर के वो केंद्रीय कार्यालय बनवाए हैं। सुभाषपा छोड़ रहे नेता पहले दिन से आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर पार्टी को परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं और अब पार्टी दफ्तर को लेकर बाकी नेताओं के नए आरोपों से राजभर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी और पूरा अंसारी परिवार पहले से कानून के रडार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की लिस्ट में अब मायावती के सांसद का नाम भी जुड़ गया। आज बसपा के सांसद अतुल राय के गांव में दो जिलों गाजीपुर और वाराणसी की पुलिस फोर्स जा पहुंची जिसने बसपा सांसद की लाखों कीमत की जमीन को कुर कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में अपराधियों और भूमाफिया के खिलाफ चल रहे अभियान की हैं। सुनो सुनो सुनो, माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के आदेश, जिसके तहत आज वाराणसी पुलिस गाजीपुर के वीरपुर गांव पहुंची। गाजीपुर का ये गांव घोसी से बसपा सांसद अतुल राय का पैतृक गांव है जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। अभियुक्त अतुल राय और अतुल सिंह पुत्र भरत राय 58,13,800 रुपए की है, राज्य के हक में कुर्की की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध नियंत्रण और बेनामी संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है उसको कुर्क करने के तहत जो लंबे समय से अभियान चल रहा है उसी के क्रम में आज अतुल सिंह उर्फ अतुल राय की जो बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है। बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामलों में कार्रवाई करने के लिए आज वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस गाजीपुर के वीरपुर गाँव पहुँची और गाजीपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में सांसद अतुल राय की कुल 7 प्रॉपर्टी कुर्क कर दी। 13,800 रुपए की है, राज्य के हक में कुर्क की जाती है। गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम 14 के उपनियम 1 के अंतर्गत ये जब्तीकरण का जो आदेश है वो कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस के द्वारा जारी किया गया था, उसका एग्जीक्यूशन आज गाजीपुर जनपद में जाकर टीम के द्वारा किया जा रहा है। बसपा सांसद अतुल राय अगस्त 2019 से रेप के एक मामले में जेल में बंद है। हालांकि इस मामले में अतुल राय को जमानत मिल चुकी है लेकिन अब अतुल राय के खिलाफ दर्ज बाकी मामलों में कार्रवाई तेज हो गई है। ऐसे में जमानत मिलने के बावजूद अतुल राय की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। We'll be right back.
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।